हमारे प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने राष्ट्रवाद की भूमिका स्वीकारते हुए हमारी विचारधारा को एक नई दिशा दी, ऐसे आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूँ। जिस पार्टी में मैं काम करता हूँ, मुझे गर्व है कि उस पार्टी के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, जिन्होंने देश को संगठित रखने के लिए अपना बलिदान दिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कश्मीर को जिस प्रकार से एक अलग दर्जा दिया गया था और कश्मीर के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, कश्मीर के गवर्नर को राष्ट्रपति कहा जाता था, भारत का झंडा वहाँ नहीं चलता था, भारत का कानून वहाँ नहीं चलता था, एक देश में दूसरा देश तैयार हुआ और वहाँ जाने के लिए परमिट लगता था, ऐसे समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस प्रकार का नारा देते हुए और परमिट को तोड़कर कश्मीर में प्रवेश लिया। उसके बाद हम जानते हैं उनको कारावास हुआ, उसी में उनका बलिदान हुआ, लेकिन उस बलिदान ने जिस प्रकार से देश में आक्रोश तैयार हुआ, उसके चलते देश की सरकार को निर्णय लेना पड़ा और कश्मीर में फिर एक बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ, राष्ट्रपति राज्यपाल हुआ और भारत का तिरंगा झंडा भी वहां लहराने लगा। किंतु श्यामा प्रसाद जी का वो बलिदान अधूरा रहा, क्योंकि 370 ने फिर भी उस विभीषिका को जीवित रखा और उसमें जिस प्रकार से अलगाववादी तत्व तैयार हुए। जब आतंकवादियों ने कहा श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का झंडा नहीं लहराने देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि कश्मीर के लाल चौक पर अगर भारत का तिरंगा झंडा सरकार नहीं लहराएगी तो हम लहराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हजारों हजारों लाखों युवक वहां पहुंचे और भारत का तिरंगा झंडा लाल चौक पर लहराने का काम हमने किया। सबसे बड़ी आदरांजलि अगर श्यामा प्रसाद जी को कोई होगी तो 370 को हटाना और दुनिया को यह ऐलान कर देना कि कश्मीर का एक एक इंच हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आदरणीय श्यामा प्रसाद जी के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।